So, hey guys, what's up? This is your Prince and welcome back to my YouTube channel. Hold up. तो भाई देखो, बात कुछ ऐसी है कि मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो मैंने कभी भी ना अकेले जाके ब्लॉग शूट नहीं किया. मेरे हर ब्लॉग में कोई ना कोई मेरे साथ ही होता है. बट लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना यार अकेले जाके ब्लॉग शूट किया जाए. पर देखो भाई, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले तुम्हारा काम है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई देखो 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं. तो देखो तुम्हारा काम है, यहाँ पे नीचे देखो रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो पहले सब्सक्राइब कर लो और उसी के साइड में बेल आइकन भी आ रहा होगा, बेल आइकन भी कर लो. ठीक है, देन देखो फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अपने साथ बंगला साइड. तो भाई सबसे पहले मैंने कनॉट प्लेस की पार्किंग में अपनी बाइक को लगाया पार्क करने के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा मैं आराम से वॉक करता हुआ जाऊंगा कनॉट प्लेस के नज़ारे लेते हुए बंगला साहिब. और पता है यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि भाई मैंने सीपी का आधा राउंड ले लिया और फिर मुझे पता चला कि मुझे जाना था इस साइड और मैं चला गया तो उस साइड. और यार फिर मैंने सोचा मैं क्या ही किसी से रास्ता पूछूं. मैंने अब आराम से अपने फोन में मैप ऑन किया और मैं अपने सही रास्ते पर निकल पड़ा, और कुछ ही दूर आगे बढ़ के मुझे दिखाई देती है यूलो बाइक्स. तो भाई लोगों, अगर तुम कनॉट प्लेस के अंदर हो और तुम्हें यूलो राइड करनी है तो भाई तुम्हें मंडी हाउस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम्हें बस मात्र कनॉट प्लेस से 5 मिनट की दूरी पे ये पेट्रोल पंप मिलेगा और ठीक उसी के बगल में ही यूलो बाइक्स. मैंने सोचा इस बंदर को अपने व्लॉग में ले लूं, और ये धीरे धीरे मेरे ही करीब आने लग गया. बहुत दिन से मेरी भी चाह थी कि कोई मेरा भी वीडियो बनाए. ले चला ठीक से वीडियो बना. ओ तेरी तो मैं ठीक इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस बंदर की वीडियो बना रहा था, और मैंने बाद में देखा इस पेड़ पे इतने सारे बंदर थे, और कसम से ये देख के ना मेरी थोड़ी देर के लिए सांसें अटक गई थी. फिलहाल मैं अपनी मंजिल की तरफ को आगे बढ़ा, और तो यार काफी चलने के बाद मैं फाइनली यहाँ पहुंच गया. तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं आज कैसा लगता है. काफी टाइम बाद यहाँ पे आ रहा हूँ. अंदर एंट्री तो कर ली, पर मुझे अब डर लग रहा है कोई वीडियो बनाने से मना ना करे. बस हवा जो चली उसने सुनी ना मेरी बात, वो बहने लगी जगा मैं सारी सारी रात. वो कहने लगी कभी ना छोड़ो मेरा साथ, कभी ना आना मेरे ख्वाब में. जो हफ्ता खफा था मेरा पन्ना सफा था, मैं तो चाहता वफा था मुझे बनना. दवा पर बैठा खिड़की पे तुझसे नाराज, पर फिर चली. तो मैंने अपने शूज को यहाँ काउंटर पे जमा करवाया, और यहाँ से मुझे एक टोकन मिला जिसे मुझे बहुत संभाल के रखना था, वरना आसानी से मेरे शूज मुझे वापसी मिलते नहीं. यहाँ मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं हैंड वॉश करते हुए एक परफेक्ट शॉट ले सकूँ, पर भाई यहाँ पे पानी इतना था कि मेरे फ़ोन एक जगह स्टे नहीं हो पा रहा था, और भाई फाइनली मैंने हार मान ली. यहाँ मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मैं कौन से कलर का कपड़ा लूँ. फिर मैंने सोचा ऑरेंज कपड़ा ले लेता हूँ, ये मेरी वीडियो में अलग से दिखेगा, और इसे सर पे पहनना बहुत जरूरी है वरना अंदर एंट्री नहीं मिलेगी. यार बंगला साहिब, मैं लास्ट टाइम कब आया हूँ मुझे ठीक से याद भी नहीं है. मतलब स्कूल टाइम हुआ करता था तब आया है, और जब मैं आज यहाँ अंदर गया तो सीरियसली यार मेरे दिल को इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ. देख कछुआ अंदर कितना बड़ा. यहाँ बहुत से लोगों की भीड़ थी, और उन्हीं भीड़ का हिस्सा मैं भी था. कभी कभी हर किसी के मन में ख्याल आता है किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाऊं, और सीरियसली इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है. वैसे कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर. पता है यार, जब मैं बंगला साहिब के अंदर पहुंचा ना, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि
कि वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं है। मतलब एक टाइम था जब मैं स्कूल टाइम पर जब बंगला साहब जाया करता था ना दोस्त लोगों के साथ, तो उस टाइम पर ना हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मतलब होते भी थे तो यार मतलब कैमरा उसका मतलब गया कुछ रहा बिल्कुल एकदम। तो मैं उस टाइम पर सोचा करता था यार काश अच्छा फ़ोन होता तो हम भी फोटो वोटो शूट करते आराम से, फोटो वोटोग्राफी करते। बट देखो आज का टाइम देखो, मैं अपना आईफोन लेके गया वहाँ तक और पता चला कि यहाँ पर शूट करने अलाउड नहीं, पर वहाँ फिर भी लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी सी वीडियो बनाई लूँ। खैर बाकी देखो यहाँ पे साइड में मेरा इंस्टा आईडी शो हो रहा होगा, तो प्लीज़ तुम जाकर उसे चेक करो, अगर तुम्हें वहाँ पे भाई मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे फॉलो करना, बाकी रहने देना कोई दिक्कत नहीं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।